तो दोस्तों, कल कहा था ना कि मैं और अनुप अब शाम को जाएंगे डीमार्ट, तो दोनों ही डीमार्ट के लिए निकल चुके हैं। डीमार्ट में पहुंचे तो भीड़ आप देख लो, डीमार्ट में तो वैसे 12 महीने ही भीड़ रहती है। यहाँ अनुप लाइन पे लगे हैं और मैंने फटाफट से जाके एक ऐसी चीज़ उठा ली जो मैं लेती ही लेती हूँ जितनी बार भी डीमार्ट जाऊँ, चाहे मैं एवरीडे जाऊँ तब भी मैं एक छोटा इलायची का पैकेट ज़रूर ज़रूर लेती हूँ, क्योंकि एक ये मुझे ज़रूर चाहिए होती है किचन में। एनीवे, यहाँ पे हम आए थे गुजिया बनाने का खांचा लेने के लिए, जो कि मिला ही नहीं। गुजिया का खांचा बोल रही थी तो वो कह रहे थे क्या गुजिया क्या गुजिया। अच्छा, फिर बड़ी मुश्किल से समझाया कि वो चिरौंजी बोलते हैं यहाँ पे, उन्होंने बोला। और यहाँ पे सॉरी, चिरौंजी नहीं, कलौंजी या किलौंजी, पता नहीं क्या बोलते हैं उसका खांचा। और यहाँ चिरौंजी ढूंढ रही थी तो वो भी नहीं मिला। फिर हम गए MG रोड, और MG रोड में हमें दत्त दिगंबर जी का मंदिर दिखा। यहाँ पे फिर हमने रात के लिए एक सब्जी भी ली, क्योंकि कुछ नहीं था खाना, कुछ नहीं पकाया, बाहर से ही खा लिया था एक्चुअली हमने, लेकिन ये वाली दुकान में चिरौंजी मुझे मिल गई। तो गाइस, पूरा डीमार्ट MG रोड छान मारा, यहाँ की जितनी दुकानें थी सब में पूछ डाला, लेकिन गुजिया मेकर मिल ही नहीं रहा है। और गुजिया मेकर को यहाँ गुजिया के नाम से कोई जानता ही नहीं है। यहाँ पे क्या कहते हैं, करौंजी कुछ ऐसे कुछ कहते हैं, पता नहीं क्या कहते हैं। अब जाके एक दुकान में देखो, दो लेके आई हूँ, बड़ी मुश्किल से मिला है, और उतना अच्छा क्वालिटी का तो नहीं है, लेकिन ठीक है, जो भी मिला है बहुत फाइनली मिल गया। और लेफ्ट मारते तो घर दिख जाता। लेफ्ट मारो ना, अपने आप को क्यों मार रहे हो? अरे लग जाता। हाँ तो दोस्तों, पार्टनर क्या तोड़ा बताओ, वो क्या है? तो जो जो पार्टनर तोड़ा वही वही इसका टूटेगा, कल पार्टनर से खेलने आएगा। नहीं, बस मैं फेविक्रिल लगाऊं, उसको पैर भी जोड़ दूंगा, वो भी ठीक रहेगा। जीवांश आप बताओ, ये पार्टनर तंग करता है किसी बच्चों को? तंग करता है ये बच्चों को? सबसे अच्छा बच्चा कौन है? इससे डर लगता है? ऐसे क्यों करते है भाई, ऐसे क्यों करता है? उसको ऐसे कटका निकालने में आदत है। और इससे डर लगता है? इससे नहीं, इससे नहीं लगता। बहुत गोरा है ये, बहुत गोरा है। आप तो बहुत अच्छे बच्चे हो, वेरी गुड बॉय जीवांश, वेरी नाइस नेम। वर्कशीट में एक नंबर। इसको ट्यूशन पढ़ा देगा? इसको पढ़ा देगा ट्यूशन? मेरी माँ ट्यूशन नहीं लेती है, अभी घर को ट्यूशन की तरह सेट करेगी। ट्यूशन की तरह सेट करेगी? हाँ, मैं तो ट्यूशन लेती है लेकिन फिर भी फेल हो जाती है। मेरी माँ भी मेरा ट्यूशन लेती है। आपकी माँ भी ट्यूशन लेती है? हाँ, मैं भी फेल हो जाती। फेल हो जाती है? हाँ। मेरी बहन भी फेल हो जाती है। कोई बात नहीं, छोटी अभी तक फेल होने में मजा आता है, फिर दोबारा उसी क्लास में पढ़ने को मिलता है। माँ ही नाम है। नहीं नहीं, पार्टू फेल नहीं होता। क्या सिलेगा? पिंक कलर व्हाइट सूट सिलेगा मेरे लिए? कितना पैसा लेगा? बोला तो सही। कितना? एक रुपए लेगा? नहीं, दो रुपए लेगा? नहीं, तीन। सुन ना, ये दो ऐसे कैसे होता है, ये तो तीन होता है। तीन लाऊंगा। दुकान के नाम तो बता अपना। ठाकुर शिवा गोहिल टेलर। ठाकुर शिवा गोहिल टेलर, ठीक है। क्या बोलू उनको, जीवांश ने भेजा है? ठीक है, आ जाऊंगी सूट सिलाने, आ जाऊंगी कल पक्का। कितना बजे आऊं? दो बजे आऊं। ठीक है, आती हूं। बाय बाय। अच्छा सिलना? अच्छा, हां अच्छा, क्योंकि ये 2 बजे स्कूल जाते हैं। बाय बच्चों। बाय बच्चों। पार्थ जा रहा है। पार्थ जा रहा है, आपको बहुत लेट हो गया, 9 बजने वाले हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, ये है नेक्स्ट डे। तो आज सुबह की बात है, यानी ये देखो, चूहे ने पूरी जाली खा दी है, क्योंकि ये प्लास्टिक की थी ना, और आराम से घर के अंदर घुस जाता है। वो छत से भी आता है, वो नीचे से भी आता है, क्योंकि एक पाइपलाइन है बगल से जा रही है, तो उसके अंदर से उसका रास्ता है। तो हमारे लैंडलॉर्ड हैं, उन्होंने कहा कि इसको सीमा चेंज करवा देते हैं और यहाँ पर वायर वाली लगवा देते हैं। तो आज भैया आने वाले हैं, इसलिए फिर मैंने सुबह सुबह ही देखो दिन का खाना बना लिया है, 11 बजे ही कड़ी चावल। अनुप आज घर पर थे नहीं, तो वो दिन में आएंगे तो फिर आते ही खाना खाएंगे। तो ये लो, अनुप आए कुछ 2 बजे करीब और यहाँ कड़ी चावल खा रहे हैं, और आज सुबह से ही लाइट नहीं है गाइस, तो बड़ी ही गर्मी हो रही है। मतलब सुबह जब हम उठे थे ना, मैं और पार्थू, तब लाइट जा रखी थी, और अनुप को मैंने कलर लगा दिया है सिर पे, और बस यहाँ पे उनको नाश्ता नहीं किया था, सिर्फ फ्रूट्स खा के गए थे तो खाना खा रहे।
सो हे गाइस, वेलकम टू द व्लॉग। आज सुबह से लाइट ही नहीं है, इतना गंदा हो रखा है। सुबह से लाइट नहीं, और अनूप देखो दिन में आ गए तो ये कड़ी चावल खा रहे हैं, और अभी तक जाली लगाने वाले भैया भी नहीं आए, तो वो भी आ रहे हैं। और समझ ही नहीं आ रहा कि करे क्या, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है। वैसे आज थोड़ा सा हवा चल रही है ठंडी, कल तो बहुत ज़्यादा ना, तो रात को तो ज़बरदस्त गर्मी हो रही थी ना, बहुत गर्मी थी गाइस। और ये लोग ना पूरा दरवाज़ा दोनों बंद करके सो रहे थे, मैंने दोनों दरवाजे रात को खोले, तब जाके ठंडी हवा आई। रात सुबह के टाइम फिर ठंडा, सुबह के टाइम मैंने कहते चादर उड़ा दो, चादर उड़ा दे, बिना चादर उड़ाए मुझे नींद नहीं आती। तो सुबह जाके फिर बहुत देर तक सोई मैं तो। और अभी जाली वाले भैया आते हैं तो जाली भी लगवाते हैं। पार्थ और मैं अभी खाना नहीं खा रहे हैं, क्योंकि हमने नाश्ता ही बहुत देर से किया था। बस लाइट है, क्या लाइट है, वहाँ से वंशिका पूछी है पार्थ से लाइट है, मैंने क्या कहते सुबह से नहीं है। मैं अपनी बुक पढ़ रही हूँ आज थोड़ा सा, जब तक ऑलमोस्ट खत्म होने वाली है मेरी बुक ही वाली। मोमबत्ती जला के सब लोग एक साथ बैठ जाते थे, कहानियां सुनते थे ना बाबू, घूमने को मिल जाता था। कहाँ लाइट नहीं होने का मतलब कि बाहर जाओ, तो आप लड़के थे ना, आप लोग को घूमने मिलता, हमें थोड़ी आवारागर्दी करने के लिए भेजते थे माँ बाप। हम कहाँ जाते, हम तो अपने कमरे में रहते थे। मेरा तो वो हाल था गाइस कि कई सालों तक गली में पता ही नहीं था कि मम्मी की दो बेटियां हैं। सबको पता था कि मम्मी को आज भी उस गली में शालू की मम्मी के नाम से बुलाया जाता है, सीमा की मम्मी कोई नहीं बोलता, क्योंकि बहुत टाइम तक बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं था कि मम्मी की दो बेटियां हैं। मैं अंदर दरवाजा बंद करके बैठी रहती थी, मैं कभी बाहर नहीं निकलती थी, सिर्फ स्कूल जाना और स्कूल से आना, उसके अलावा तो मतलब ही नहीं है कि मैं नीचे उतर जाऊँ। तो मैं इतना दब्बो बन के अंदर बंद रहती थी। तो शालू हमारी एक्टिव थी, क्योंकि भाई वगैरह नहीं थे तो राशन वगैरह कौन लाएगा, सब कुछ कौन लाएगा, तो वो सब शालू लेके आती थी, सब्जी लाना, राशन लाना, सब कुछ वो करती थी भाई साहब, बहुत छोटी उम्र में। जितना ये पार्थ है ना, इतने में तो जा के वो मार्केट से सब्जियां पूरी लेके आती थी, राशन कार्ड बनवा दे। राशन कार्ड बाबू उसने बनवाया, आप सोचो खड़े होके लाइन लाइन में राशन कार्ड से चीनी चावल ले लेके आती थी वो, तो वो बहुत जब्बर थी भाई, वो बाहर के कामों में बहुत ज़्यादा परफेक्ट थी। और मैं नहीं जाती थी, मैं तो बहुत ही डरपोक, बहुत जिसको कह ही नहीं सकती थी, डरपोक थी। अंदर के कामों में बहुत माहिर, बाहर के कामों में जीरो अंडा थी मैं, तो हमें नहीं मिलता था गाइस बाहर जाने के लिए, हम तो घर के अंदर ही रहते थे। हाँ, बाहर जाना अभी भी पसंद नहीं है मेरे को, बहुत रो रो के जाती हूँ। जहाँ मेरा मन है वहाँ, मुझे सिर्फ अनूप के संग घूमना अच्छा लगता है गाइस, मैं सच बता रही हूँ। ऐसे देख रहे हैं, ऐसे देख रहे हैं, कैसे बाबू कैसा लुक दिया आपने बाबू, झूठ मत बोलो, मुझे सिर्फ इनके संग जाना पसंद है गाइस। मैं जब अनुपर मैं ऐसे चिपकते है ना तो इतना खुश होता है, कहता है मुझे बहुत अच्छा लगता है। आज क्या वर्षों बाद प्यार कर रहे हो, मुद्दत बाद प्यार हो, तो होता ही नहीं है, तो प्यार ही नहीं होता गाइस हम दोनों में। राहू पूरा राहू फैल जाता है। राहू ये बैठे तेरा बाप। हाँ तो देखो मिर्ची खा खा के देखो गाइस, इनको लग रही है जबरदस्त मिर्ची। मौसिया, अगर आपके बच्चों को फिजिक्स आता है तो प्लीज बता देना। फिजिक्स? हाँ। आपको आता है फिजिक्स? हाँ आता है। बताओ क्या आता है? फिजिक्स साइंस होता है। बता क्या? फिजिक्स साइंस होता है। साइड में इसके बल के निकलती है तो कितना मतलब। हाँ क्यूट लगता है, बाल बड़े हो जाते तो पार्थू बहुत बहुत क्यूट लगता है। पार्थू अच्छा को बता पानी की कितनी स्टेजेस होती है, वो जो तू पढ़ रहा था इधर आके बता। स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं। यहाँ बैठ के बता ना मुझे क्या कर, आजकल ये एक्सपेरिमेंट करता है गाइस, क्या करता है बेटी? 22 डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं। कुछ लोग कहते हैं 5 डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं, कुछ लोग कहते हैं 3 डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं, लेकिन असलियत में 22 स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं। किस चीज का मैटर? स्टेट्स ऑफ मैटर 22 डिफरेंट। क्या क्या आता है इसके अंदर बताओ ना। इसके अंदर सॉलिड, लिक्विड, हाँ, गैस, हाँ, प्लाज्मा, बोस आइंस्टाइन कॉन्सेंट्रेट और डी जनरेटिव मैटर, टाइम क्रिस्टल, सुपर फ्लूइड, सुपर सॉलिड और रेड बर्ड ग्लूऑन और क्या कहते हैं जॉन थेलर मेटल और
और भी बहुत सारे उनका नाम याद। तो आपने पानी का क्या एक्सपेरिमेंट किया था बताओ जरा सबको। मैंने पहले आइस ली थी। हाँ, पहले इसने पानी जमा कराया है ना। पहले मैंने पानी जमा कराया, उसके बाद मैंने आइस बनाई। जब आइस हो गई थी तो मैंने कटोरा लिया, उसमें आइस डाली और फिर उसे धूप के पास रख दिया। वो धीरे धीरे बदल रहा था पानी में। फिर जब वो ठंडे पानी में बदल गया तब मैंने उसे गैस में रखा और जलाया तो गैस बन गया। और फिर और हीट किया तो प्लाज्मा बन गया। तो आपने क्या सीखा एक्सपेरिमेंट से, कुछ पता चला आपको? पता चला क्या? पता चला कि स्टेट्स ऑफ मैटर अलग अलग चलते जाते चलते जाते। हाँ अच्छा, वो जो पानी उड़ गया भाप बन के, वो खत्म हो गया कि उसका कुछ होगा? उसका कुछ होगा। क्या? वो अभी रेन में वापस आएगा, जब बारिश होगी तो वो वापस आएगा। वेरी गुड। हमारे उसमें बोलते थे वाष्पित करना, आई थिंक है ना गाइस, वो क्वांटम फिजिक्स भी आता है। क्वांटम फिजिक्स वो क्या होता है? वो क्वांटम फिजिक्स थोड़ा सा, ये गन लेके कैसे क्वांटम फिजिक्स पढ़ा रहे हो भैया? ये कौन सा तरीका है बैठने का? क्वांटम फिजिक्स शायद से होता ही नहीं है। हाँ? लेकिन क्वांटम फिजिक्स मुझे लग रहा है होता है। क्या होता है वो? मुझे वो कैलकुलेशन से पता चलता है कि ये क्या होता है। साइंस, वो साइंस ही होता है। सारे फिजिक्स, क्वांटम फिजिक्स, सब कुछ साइंस या फिर रिलीजन है। अब ये काटने के लिए तो नहीं बोलोगे कि डाल दूं ब्लॉग में? गाइस ये ना पहले बोलता है फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद आता है, कहते हैं मम्मी मैंने उसमें ना एक चीज गलत बोल दी, आप उसको काट दो इसको। अभी तो एक चीज भी गलत नहीं बोली। पक्का? सारी टीचर्स देख रही हैं यहाँ पे, टीचर्स बता देना पार्थ ने सही बोला कि गलत। ठीक है, चल इसको मत करना बेटा तू, चल। तो गाइस मुझे तो लग रहा है आज यहीं निपट जाएगी व्लॉग, पता नहीं क्या होगी। एंड आज तो हम अपना एक बहुत जरूरी काम करेंगे ही करेंगे, आज हम नहीं बोल रहे उसको मुंह से, जब हम कर लेंगे तब हम बताएंगे। तो गाइस गर्मी हो रही, सुबह से बगैर लाइट के बैठे हुए, दिमाग खराब हो रखा है। अभी जब अनूप आए तो फिर मैं किताब पढ़ रही थी, पार्थू को भी मैंने बोला था जाके बुक पढ़, पता नहीं इसने पढ़ी कि नहीं पढ़ी अभी। तो भैया दस्ताने क्यों नहीं पहनते? हे गाइस, तो अब जाके लाइट आई है, 3:30 बज रहे होंगे शायद, पता नहीं कितने बज रहे हैं, आई एम नॉट श्योर। तो मैंने पार्थ को बोला बेटा जल्दी से टीवी लगा ले, आज बेचारा बहुत बोर हुआ है गाइस। एक बार मैं और ये सबवे सफर भी खेलते थे और एक ही गेम में हम दोनों की लड़ाई हो गई, तो मैंने कहा जाते फिर खेलना ही नहीं है। इसके अंदर बहुत ओवर कॉन्फिडेंस आ गया था, इसको लगा कि इसने मुझसे ज्यादा पॉइंट्स बना लिए, लेकिन मैंने इसको इससे ज्यादा पॉइंट्स बना के हरा दिया गाइस। ओ पति थापा, लाइट आ चुकी है, बगैर पंखे के बैठे हो, लो मैं पार्थू को खाना दूंगी। मैंने खाना खा लिया है, कितने बज रहे हैं अभी तक टाइम नहीं देखा है, तो ये देखो ऑलमोस्ट 3:30 ही लाइट आई है, 3:20 हो रहे हैं। तो बस गाइस 3:30 के बाद से मैं अब आपको मिल रही हूँ, तकरीबन 4:30 बज रहे, 1 घंटे बाद। तब तक मैं क्या कर रही थी, मैंने ये देखो ये जो जाली बची हुई है ना, इसको कट करके अपने बेडरूम की जो विंडो है उसके नीचे लगाया और उसमें फिट किया है, वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। एंड अभी मैं जा रही हूँ जो खाने के बर्तन थे वो धोने के लिए, क्योंकि पार्थ ने लेट खाना खाया था। अनूप फिर से जा चुके हैं कहीं पे, उनका काम था तो उन्होंने बोला मैं शाम को आऊँगा 7:30 बजे। आज मुझे रात को कुछ पकाना नहीं है, क्योंकि कड़ी मैंने ज़्यादा बनाई थी इसीलिए, क्योंकि रात को हम कड़ी ही खाएंगे। तो बस अब इस ब्लॉग को ज़्यादा लंबा खींचने का कोई फ़ायदा नहीं कि मैं शाम को क्या करूँगी, आप सबको पता ही है कि 6 बजे मैं कुकू को खाना देने जाऊँगी। उनके चावल चढ़ा के आई हूँ, बन रहे हैं उनके चावल, ऑलमोस्ट बन चुके हैं बस, तो उनके चावल पक रहे हैं। और हमसे ज़्यादा ना कुकू वाले जो चावल है ना, उसकी खुशबू है ना पूरे घर में फैल रही है, और मेरा एक बार ना मन है कि मैं उस चावल को पका के खा के देखूँ कि उसका फ्लेवर कैसा है। मुझे ऐसा लगता है कि वो बासमती का टोटा है, तो बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है पूरे घर में। तो बस गाइज अब इसके बाद में ये एडिटिंग भी करते जा रही हूँ और आप लोग को भेज भी देती हूँ, तो कल मिलेंगे नई दिनचर्या के संग। होली आ रही है गाइज, होली, और आप लोग क्या मेरी तरह सोचते हो होली आने के कुछ दिन पहले? हालांकि मैं होली नहीं खेलने वाली, लेकिन फिर भी मैं सोचती हूँ मैं होली वाले दिन कौन सा सूट पहनूंगी, वो कौन सा कपड़ा है जो मुझे अब ख़राब करना है। हालांकि आप सबको पता है मैंने अलमीरा लगाई थी, कितने सारे कपड़े मैंने निकाल दिए थे,
तो उनमें से मैं कोई भी कपड़ा ख़राब नहीं करने वाली, क्योंकि वो देने के लिए मैंने रखे हैं। अब जो मेरा सूट है ना, तो मेरे उनमें से दिमाग चल रहा है ये वाला ख़राब कर दूँ क्या इस होली को, हालांकि वो ख़राब होने नहीं वाला क्योंकि मैं भीगने वाली ही नहीं हूँ, नीचे जाके पार्थू ही खेलेगा। तो बस वही सोच रही हूँ कि कौन सा कपड़ा, क्या आप लोग ऐसा सोचते हो होली आने से पहले कि होली के दिन मैं कौन सा कपड़ा पहनूंगी जो अब ख़राब हो जाए तो हो जाए ऐसे। और मैं ये भी सोचती कि पार्थू बोलूँगी ब्लैक कलर का कपड़ा पहनना उस दिन, बेटा ब्लैक कलर में कलर जल्दी से चढ़े भी तो भी नहीं पता चलता है ना। तो बस ऐसे ही अब दिमाग में होली को लेके, होली आएगी 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 और होली एक दिन में आगे चली भी जाएगी गाइस। लेकिन कहते हैं कि होली के बाद त्यौहार खुल जाते हैं। तो बस आज की दिनचर्या ऑलमोस्ट समाप्त। आप लोग बताओ आप लोग आज क्या क्या कर रहे हो। अभी अभी मैसेज पढ़ा थोड़ी देर पहले, बबीता जी कह रही है कि मेरे पेट में बहुत दर्द आ रहा है। बबीता जी क्यों दर्द हो रहा है, पेट में क्या खा लिया आपने ऐसा? ख्याल रखो त्यौहार है, औरतें बीमार नहीं पड़ सकती त्यौहार में, औरतों को काम करना ही पड़ता है। बबीता जी उठो उठो, गुजिया बनाओ, चाट पापड़ियाँ बनाओ। बहुत सारे लोग बहुत कुछ बना रहे हैं, हम पीछे रह गए, अभी तक हमने कुछ नहीं बनाया है तो बनाना है। मेरा गला देख रहे हो लेटे लेटे, अब पता है आप लोग को वीडियो बंद करने के बाद मैं आधे घंटे लेट जाऊंगी, मुझे पता ही। देख रहे हो आप मेरा शक्ल देखो, जाने वाली हूँ मैं, फिर सोऊंगी नहीं, लेकिन रात को फिर नींद आने में दिक्कत होती है, लेट आती है, नींद तो आई जाती है लेकिन लेट आती है। तो बाय दोस्तों, लव बोल, लाइक करके जाना, कमेंट करो कौन कौन आया था, बाय। और होली की तैयारी भी लिखो।